चलिए तो शो की शुरुआत होने वाली है आज आपके सवालों के साथ। कई बार ऐसा होता है कि दर्शकों के सवाल तो हम शो में शामिल करते हैं, जवाब भले ही किसी एक शख्स के लिए हो लेकिन उस एक जवाब के जरिए बहुत दर्शकों के सवालों का समाधान हो जाता है, और इसीलिए हमारा फोकस आज रहने वाला है आपके सवालों पर, निवेश से जुड़े सवालों पर। और गेस्ट के तौर पे हमारे साथ आज जुड़ गए हैं पंकज मठपाल, MD ऑप्टिमा मनी मैनेजर्स, और विश्वजीत पराशर, म्यूचुअल फंड एक्सपर्ट। आप दोनों का स्वागत है हमारी इस बेहद खास पेशकश में। और हमारे साथ विश्वजीत जी के लिए पहले दर्शक भी फोन लाइन पर दरअसल जुड़ चुके हैं, और इनका नाम है महेश पवार साहब। महेश जी नमस्कार, कहाँ से बोल रहे हैं आप? मैं बैतूल मध्य प्रदेश से बोल रहा हूँ। मध्य प्रदेश से बोल रहे हैं, बताइए सर कैसे आपकी सहायता कर सकते हैं? हाँ मैम, मुझे 18,000 की SIP करना है। ओके। अभी मैम 8,000 की SIP चालू है कोटक इमर्जिंग इक्विटी फंड में, 4,000 की और 4,000 की क्वांट स्मॉल कैप में, इसको बढ़ाकर मैम 18,000 करना है, तो उसके लिए मुझे आप मार्गदर्शन कीजिए, फंड सुझाइए। और इसके अलावा मैम मेरे पास निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप में 1,000 रुपये जमा हुए हैं, तो उस वो SIP मैंने बंद कर दी है, तो फंड का क्या करना चाहिए? आपने जो SIP बंद की है महेश जी, जो आपने SIPs बंद की हैं उनमें से निप्पॉन का इंडिया स्मॉल कैप है, और निप्पॉन ये अपना ICICI का फ्लेक्सी कैप है, निप्पॉन का ही लार्ज कैप भी है, आदित्य का लार्ज कैप है, एक्सिस का स्मॉल कैप, SBI स्मॉल कैप, क्वांट स्मॉल कैप और कोटक इमर्जिंग इक्विटी, ये सारे फंड्स में आपने SIP बंद कर दी है? कर दी है, अभी 2 महीने हुए हैं। 2 महीने, कोई खास वजह आपने SIPs बंद कर दी इन सब में? नहीं मैम कोई खास वजह नहीं, पर पोर्टफोलियो कुछ ज्यादा हो गया था, आपका शो देखने के बाद नॉलेज हुआ कि मेरे पास फंड कुछ ज्यादा हो गए थे मैम, इसमें से कुछ तो हटा दिया। अच्छा। मैंने और हटाने का मतलब है कि निवेश रोका हुआ है, हटाने का मतलब कि निवेश रोका हुआ है कि आपने पैसे भी रिडीम कर लिए हैं? पैसे रिडीम कर लिए मैम, उसमें बहुत कम अमाउंट था, छोटी छोटी SIP थी, 500-500, 200-200 रुपए की, तो वो रिडीम कर लिए मैंने, बाकी ये जो अमाउंट है अभी उसी में निवेशित है। तो दो फंड जिसमें अभी SIP चल रही है, क्या नाम बताया आपने? कोटक इमर्जिंग इक्विटी फंड और क्वांट स्मॉल कैप। अच्छा, इन्हीं दो फंड्स में अभी आपकी SIP चल रही है? ओके। हाँ मैम। और आपको 10 साल में कितना चाहिए आपने कहा? मैम 10 साल में 50 लाख चाहिए। 10 साल में 50 लाख रुपए चाहिए, चलिए ठीक है, बताते हैं आपको क्या करना चाहिए और SIP की राशि आपको क्या बढ़ानी पड़ेगी या नहीं। विश्वजीत जी बहुत क्लैरिटी आती हुई सवाल में, दो में इनकी SIP चल रही है, बाकियों में ये बंद कर चुके हैं, कुछ में फंड्स रिडीम कर लिए हैं, कुछ में अभी भी निवेशित हैं, तो 50 लाख के लिए इनको पोर्टफोलियो बनाना है, 10 साल का समय है, फिलहाल 18,000 का इनका अमाउंट है SIP का, बताइए। जी बिल्कुल महेश जी, पहली बात तो 50 लाख का लक्ष्य आप आराम से अचीव कर पाएंगे 18,000 की अगर आप SIP कर रहे हैं, और हम 12% का CAGR लेके चलते हैं, तो बाकी फंड्स मैंने देखा ओवरऑल पोर्टफोलियो में आपके बहुत ज्यादा फंड्स नहीं थे, 7 से 8 फंड हैं, तो कुछ फंड्स आपने रोक दिए हैं, क्वांट स्मॉल कैप में और कोटक इमर्जिंग इक्विटी में आप बने हुए हैं, तो ये दोनों ही फंड अच्छे हैं, लॉन्ग टर्म के लिए आप इसमें निवेशित रहें। इसके अलावा आप HDFC लार्ज एंड मिड कैप फंड, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड, और या फिर आपने ICICI प्रूडेंशियल फ्लेक्सी कैप फंड ऑलरेडी ले रखा है तो उसमें भी आप कंटिन्यू कर सकते हैं। इसके अलावा निप्पॉन इंडिया लार्ज कैप फंड भी आपने ले रखा है, उसमें भी आप कंटिन्यू करें, तो ये 5-6 फंड्स की रणनीति अच्छी रहेगी, इनमें 3,000-3,000 की आप SIP करें, 6 फंड मैक्सिमम लें, 2 फंड आप ऑलरेडी निवेशित हैं, 4 फंड मैंने आपको बताए हैं, तो इनमें आप निवेश करें 3,000-3,000 रुपए, तो आपका 18,000 रुपए हो जाएगा, और ये 10 साल में 50 लाख का लक्ष्य 12% के हिसाब से आप आराम से अचीव कर पाएंगे। तो मुझे नहीं लगता कि आपने जो फंड्स बंद किए हैं उसको बहुत ज्यादा जरूरत थी, वो ठीक ठाक फंड थे महेश जी, तो आप उसमें बने रह सकते हैं, और लेकिन अगर आपने बंद कर दिए हैं तो कोई बात नहीं, ये जो 4 फंड्स बताए इसमें आप निवेश करें, तो आपका टोटल पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाइड भी हो जाएगा अक्रॉस मार्केट कैप और AMC वाइज भी अक्रॉस AMC डाइवर्सिफिकेशन हो जाएगा। चलिए तो यहाँ पर महेश जी आपको ये सलाह मिल रही है, जहाँ पे डाइवर्सिफिकेशन पर्पस के लिए आप चाहें तो शुरू भी कर सकते हैं। विश्वजीत जी एग्जैक्टली किन फंड्स में आप इन्वेस्टमेंट शुरू करने की बात कर रहे हैं, एक बार बताएंगे फिर से? जी बिल्कुल, इनके पास निप्पॉन इंडिया लार्ज कैप फंड ऑलरेडी था पोर्टफोलियो में कविता जी, तो वो अच्छा फंड है, लार्ज कैप के हिसाब से वन ऑफ द
बेस्ट कैटेगरी फंड्स है तो उसमें निवेशित रह सकते हैं। इसके अलावा पारंपरिक फ्लेक्सी कैप की सलाह दी जा रही है ताकि एक डाइवर्सिफिकेशन के लिए, ये भी एक लार्ज कैप टाइप का ही फंड है बट फंड मैनेजर के पास एक फ्लेक्सिबिलिटी रहती है अक्रॉस मार्केट कैप निवेश करने की। और इनके अलावा इनके पास कोटक इमर्जिंग इक्विटी फंड है जो बहुत अच्छा फंड है, इसमें भी निवेशित रह सकते हैं। इसके अलावा क्वांट स्मॉल कैप है, ये भी अच्छा फंड है, इसमें भी निवेशित रह सकते हैं। जो इन्होंने बंद किए हैं वो निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड, क्योंकि एक ऑलरेडी स्मॉल कैप फंड है तो उसकी आवश्यकता नहीं है। इसके अलावा मैंने जो इनको सलाह दी है HDFC लार्ज एंड मिड कैप फंड की, क्योंकि ये कैटेगरी इनके मिसिंग थी। और इसके अलावा अगर ये चाहे तो इन्होंने ICICI प्रूडेंशियल फोकस्ड इक्विटी फंड में निवेश किया हुआ है तो उसमें भी ये बने रह सकते हैं। तो ये 5-6 फंड हैं कविता जी। जी चलिए, ऑल द बेस्ट आपको, और ये बदलाव जो आपको बताए गए हैं उन पर आप अमल कीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, और ज्ञानेश व्यवहारे मेरे साथ क्या फोन लाइन पर हैं? यस मैडम, नमस्कार, कैसे हैं आप? ठीक हूँ मैडम। अच्छा, तो आपने भी 10 साल के लिए इन्वेस्टमेंट कर रखी है म्यूचुअल फंड्स में, और टाटा डिजिटल इंडिया आपके पास है, आपके पास ICICI प्रू कमोडिटीज फंड है, HDFC का मिड कैप अपॉर्चुनिटी, पराग पारिक का फ्लेक्सी कैप है, क्वांट का स्मॉल कैप है। तो एक तो ये कमोडिटीज का फंड और दूसरा टाटा डिजिटल इंडिया, ये दो फंड्स को आप सेक्टर स्पेसिफिक फंड्स को आप समझते हैं, कमोडिटी फंड को पोर्टफोलियो में शामिल करने के पीछे कोई खास वजह है, कुछ बताएंगे? नहीं मैडम, फ्रेंड ने सजेस्ट किए थे इसलिए मैंने लिए थे इस समय। अभी मुझे ये जानना है कि कंटिन्यू करूँ या उसमें चेंजेस करूँ। ओके, 5 फंड कितने साल हो गए? हाँ, कितने साल आपको हुए इसमें? नहीं, अभी 1 साल ही हो गया, इससे पहले मेरे ELSS में थे, ELSS में अभी 3 ईयर का लॉक इन पीरियड है अभी इसमें। ठीक है, नहीं क्या कहेंगे, मैंने सुना नहीं आपका, आपकी आवाज नहीं आई ठीक से। मैडम इससे पहले मैं ELSS म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करता था। हाँ, एक साल से अभी ये इक्विटी में इन्वेस्टमेंट हो रही है। नहीं तो ELSS का पैसा भी तो इक्विटी में जाएगा, उसमें आपको बस एक टैक्स सेविंग का फायदा मिलता है और लॉक इन है 3 साल का। हाँ, तो वो फंड है ना अभी भी? अभी है, ELSS में है मैडम। ठीक है, ऑलराइट, चलिए पंकज जी के पास में जाती हूँ। पंकज जी, तो ये मुझे बताइए कि म्यूचुअल फंड्स, पंकज जी, बहुत बेहतरीन तरीका होता है तमाम एसेट क्लासेस में पैसे लगाने का, ठीक है, आप इक्विटी की बात करें, आप डेट की बात करें, आप कमोडिटीज़ की बात करें, सोने की बात करें, रियल एस्टेट तक की बात करें, ठीक है, म्यूचुअल फंड के जरिए आप इन तमाम एसेट क्लासेस में पैसे लगा सकते हैं। अब अक्सर हमारा रुझान जो है, जो हम देखते हैं दर्शकों का, निवेशकों का, वो होता है टूवर्ड्स इक्विटी। बहुत कम दर्शक ऐसे मिलते हैं, या तो फिर कोई अगर मल्टी एसेट एलोकेशन फंड ले ले जहाँ पर भी इक्विटी, डेट और कमोडिटीज़ ही हमने देखा है कि अधिकतर समय आपको एक डाइवर्सिफिकेशन का पर्पज़ सॉल्व करके देते हैं, लेकिन इन्होंने जो है एक स्पेसिफिकली कमोडिटीज़ फंड ही अपने पोर्टफोलियो में शामिल कर रखा है। तो डाइवर्सिफिकेशन के लिए तो ठीक है, लेकिन क्या एक मल्टी एसेट एलोकेशन फंड के जरिए अगर इसका डाइवर्सिफिकेशन लेते तो बेहतर होता? अगर हम केवल एक कमोडिटी फंड की बात कर रहे हैं तो वो कमोडिटी फंड एग्री, नॉन एग्री, कहाँ कैसे पैसे लगाता है, ज़रा समझाइए इस फंड के बारे में और इस रणनीति के बारे में। बिल्कुल कविता जी, ऐसा है कि अगर आप डाइवर्सिफाइड फंड्स में इन्वेस्ट करते हैं तो आपका इन्वेस्टमेंट अक्रॉस द सेक्टर्स होता है और अक्रॉस द मार्केट कैप होता है। और आप किसी थीमेटिक फंड में या सेक्टर में करते हैं तो स्पेसिफिक सेक्टर या फिर थीम जिसका उन संबंध उन सेक्टर से जिस पर वो आधारित है उनमें निवेश होता है। तो पहली बात जैसे आपने कहा कि ICICI प्रूडेंशियल कमोडिटीज फंड, ये ऐसा फंड है कि उन कंपनीज में इन्वेस्ट करता है, इक्विटी फंड है बेसिकली, पर ऐसी कंपनीज में जिन कंपनीज का संबंध कमोडिटी से है। तो जैसे कि मान लीजिए हिंडालको है एग्जाम्पल के तौर पर, तो ये एक मेटल बनाने वाली कंपनी है, तो ये कमोडिटी बेस्ड कंपनी होगी। तो इस तरह से जो फंड्स होते हैं वो ऐसा नहीं कि सोने में निवेश कर रहे हैं या सिल्वर में कर रहे हैं, ऐसे फंड्स उस तरह के इक्विटी स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं जिनका बिजनेस कमोडिटी से रिलेटेड है। तो अब बात आते हैं ज्ञानेश के क्वेश्चन पर। कविता देखिए, वैसे तो ऐसा नहीं है कि थीमेटिक फंड या सेक्टरल फंड जो है वो खराब है या उनमें इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। यदि निवेशकों को मार्केट के बारे में समझ है और विद इन इक्विटी वो जानते हैं कि उन्होंने ऑलरेडी डाइवर्सिफाइड किया हुआ है पोर्टफोलियो को, लेकिन अब उन्हें लगता है कि IT सेक्टर, हेल्थ केयर या कोई थीम जैसे मैन्युफैक्चरिंग, उन्हें लगता है कि ये थीम या सेक्टर्स अभी अच्छा परफॉर्म करने वाले हैं,
बिकॉज ऑफ सर्टेन रीजंस, वो मैक्रोस फैक्टर हो सकते हैं, इंटरेस्ट रेट या गवर्नमेंट की पॉलिसीज या जियोपॉलिटिकल रीजंस। तो ऐसे में ऐसे इन्वेस्टर जिन्हें नॉलेज है मार्केट की, वो कुछ समय के लिए इस तरह के थीम में सेक्टर में इन्वेस्ट कर सकते हैं, और जब मार्केट में ये थीम प्ले आउट हो जाए तो उससे पहले एग्जिट करना भी जरूरी हो जाता है। लेकिन ज्ञानेश जी ने जो बताया कि उनके दोस्त ने उन्हें बताया, इसके लिए उन्होंने यहाँ इन्वेस्ट किया, तो मेरे हिसाब से ज्ञानेश जी आपको तो अपने पोर्टफोलियो में बदलाव करना चाहिए। आपके लिए डाइवर्सिफाइड फंड्स अच्छे हैं। पहली बात तो यह है कि आपको अपने पोर्टफोलियो में इक्विटी डेट दोनों तरह के फंड्स में निवेश करना चाहिए। लेकिन लॉन्ग टर्म के हिसाब से आप 10 साल की बात करें, अगर इक्विटी में कर रहे हैं तो यहाँ पर भी आपको लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, सभी तरह के मार्केट कैप वाले फंड्स इंक्लूड करने चाहिए, लेकिन थीमेटिक या सेक्टोरल फंड से आपको बचना चाहिए। तो मेरी राय यह है कि आईसीआईसी प्रूडेंशियल कमोडिटीज फंड जो है उसे यदि रिप्लेस कर दें आप आईसीआईसी प्रूडेंशियल मल्टी कैप फंड से, तो ये बेहतर होगा। एक डाइवर्सिफाइड फंड होगा जहां पर हर तरह के सेक्टर्स और हर तरह के मार्केट कैप में इन्वेस्टमेंट रहेगा। साथ ही टाटा डिजिटल इंडिया फंड ये भी बहुत अच्छा है। ऐसा नहीं कि फंड खराब है, लेकिन आपके लिए सुटेबल नहीं है, तो आपको मैं सलाह दूंगा कि इस फंड को रिप्लेस करें टाटा लार्ज एंड मिड कैप फंड से। बाकी जो दो फंड है आपके पास, एचडीएफसी मिड कैप अपॉर्चुनिटीज और पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड, उनमें आप बने रहें, और जो दो फंड से एक सेक्टरल फंड था एक थीमेटिक फंड है, इनको आप रिप्लेस कर दें जो नाम मैंने आपको बताए उनसे। चलिए ज्ञानेश जी, काफी विस्तार से आपको सलाह दे दी है पोर्टफोलियो पर, और क्या आपको और कोई सवाल पूछना है? नहीं मैडम, इसी संदर्भ में था मेरा सवाल। ऑल द बेस्ट। राहुल राजपूत क्या मेरे साथ फोन लाइन पर हैं? नमस्कार, कहाँ से बोल रहे हैं? नमस्कार, इंदौर से। इंदौर से बोल रहे हैं, बताइए। आपने कंबाइंड डिटेल्स दी हैं आपकी और आपकी वाइफ की पोर्टफोलियो की, 15 साल तक के लिए आप इन्वेस्ट करेंगे। एचडीएफसी का इंडेक्स 50 है, पराग पारिक का फ्लेक्सी कैप है, मिरासेट का एलएसएस है, और आपके वाइफ के पोर्टफोलियो में आईसीआईसीआई प्रू इंडेक्स फंड, कोटक इमर्जिंग इक्विटी, एक्सिस का स्मॉल कैप, और बच्चे की पढ़ाई लिखाई का जो गोल है वो कितने साल में आपको पूरा करना है, और क्या राशि होगी जो आपको चाहिए होगी? 10 साल के बाद जो अमाउंट मुझे लगेगा। कितना कहा आपने? आफ्टर 10 इयर्स। आफ्टर 10 इयर्स, और कितना अमाउंट? अमाउंट तो ये भी कुछ डिसाइडेड नहीं है, बट कितना मैं कंट्रीब्यूट कर सकता हूँ उसमें। अच्छा, और रिटायरमेंट फंड के लिए आपको कितना लगेगा और कितना साल आप देना चाहेंगे? बाकी जितना भी है बच्चे के अलावा वो रिटायरमेंट फंड में ही जाएगा, कोई इसके अकॉर्डिंगली मुझे चीजें को चेक करना। ठीक है विश्वजीत जी, मेरे ख्याल से आपके पास है ये सवाल। तो कंबाइंड पोर्टफोलियो, एक तो बहुत अच्छी बात है ये कि पति पत्नी दोनों के पास एक एक फाइनेंशियल पोर्टफोलियो है, और दोनों ही जॉइंट गोल्स के लिए इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, और हमेशा इस तरह की रणनीति और पार्टिसिपेशन को जो है इनकरेज करना चाहिए। तो अब ये बताइए कि दोनों के चॉइस ऑफ फंड्स में मेरे ख्याल से बदलाव तो किए जा सकते हैं, और अगर राशि भी बढ़ानी हो और फंड भी बढ़ाने हो तो फिर किस ओर इनको जाना चाहिए? देखिए कविता जी, इन्होंने जो फंड्स ले रखे हैं वो बहुत अच्छे हैं। एक लार्ज कैप, एक मिड कैप और एक स्मॉल कैप है जो इनकी वाइफ के नाम से फंड है, और इन्होंने भी एक लार्ज कैप ले रखा है और एक ईएलएसएस ले रखा है टैक्स सेविंग के पर्पज से। तो फंड्स में कोई बदलाव की आवश्यकता नहीं है, लेकिन इन्होंने कोई गोल सेट नहीं किया हुआ है कि कितनी अमाउंट इनको चाहिए बच्चे की पढ़ाई के लिए या फिर रिटायरमेंट के लिए। तो मैंने मोटा मोटी एक कैलकुलेशन करी कि अगर 10 साल बाद, क्योंकि इनके बच्चा जो है अभी 6 साल का है, तो 10 साल बाद अगर इनको आज की तारीख में अगर नॉर्मल इंजीनियरिंग कॉलेज में भी ये पढ़ाते हैं तो 10 लाख रुपए लगते हैं, तो 10 साल बाद ये इन्फ्लेशन एडजस्ट करके करीब करीब 21 लाख रुपए हो जाते हैं, ऑलमोस्ट डबल अमाउंट हो जाती है। और ऐसे ही अगर इनकी रिटायरमेंट की बात करें तो सिंपल तरीका है राजपूत जी कैलकुलेशन करने का कि जो आपका आज का महीने का खर्च है, मान लीजिए एक उदाहरण के तौर पर आप 50,000 रुपए महीने का खर्च करते हैं, तो इसको 200 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 करोड़ की रकम चाहिए होगी आपको आज, अगर आप आज रिटायर होते हैं। लेकिन आप रिटायरमेंट का समय अभी काफी है, तो उसको हम डबल कर लेते हैं कि मतलब 20 साल बाद भी अगर आप रिटायर होते हैं इन्फ्लेशन लगा के, तो करीब करीब 4.25 करोड़ रुपया आपको चाहिए होगा ताकि आपका ये सेम लाइफस्टाइल मेंटेन रहे। तो ये दो गोल्स मैंने टेम्पररली सेट किए हैं, और इसके अलावा जो आपका एसआईपी है
आपने 13,000 की एसआईपी कर रहे हैं करीब, अगर क्योंकि 15 साल का पीरियड के लिए आपने बताया था, तो ये 61 लाख रुपए करीब हो जाते हैं। और ये जो 3,75,000 रुपए जो आपके पास एक कॉर्पस लमसम है, ये भी बढ़कर 20 लाख हो जाएगा, तो करीब करीब 82 लाख रुपए हो जाते हैं। लेकिन क्योंकि आपकी वाइफ के नाम से जो आपने एसआईपी करी है वो है 5,800 रुपए की, और उसमें आपने 15% का स्टेप अप किया, जो बहुत अच्छी बात है। अगर इसी तरीके से आप स्टेप अप करते रहेंगे तो करीब करीब 4,35,00,000 तक आप पहुंच जाएंगे। तो आपका रिटायरमेंट का गोल जो है एक लंबी एसआईपी से पूरा हो जाएगा, और जो आपकी बच्चे की एजुकेशन है जो आप इन्वेस्ट कर रहे हैं वो भी करीब करीब 82 लाख रुपए हो जाता है। तो मैंने तो केवल 20 लाख की प्लानिंग करी है। अगर बच्चा और अच्छे कॉलेज में पढ़ता है, 40 लाख 50 लाख रुपए भी लगते हैं, तो आप आराम से उस गोल को अचीव कर सकते हैं। जहां तक कि फंड इंक्रीज करने की बात है, आपने कुछ कुछ फंड्स ले रखे हैं, बट कुछ अच्छे फंड्स अगर हम देखें, जैसे कि आज लार्ज एंड मिड कैप कैटेगरी में आप कोई ना कोई फंड अवश्य ले सकते हैं, जैसे कि HDFC लार्ज एंड मिड कैप फंड या फिर ICICI लार्ज एंड मिड कैप फंड। एक फ्लेक्सी कैप फंड भी आपके पोर्टफोलियो में ऑलरेडी है, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप। इसके अलावा आप कुछ मिड कैप और स्मॉल कैप भी ले सकते हैं जो लंबी अवधि के लिए एसआईपी कर रहे हैं, जिसमें कि मोतीलाल ओसवाल मिड कैप या फिर एक्सिस स्मॉल कैप या क्वांट स्मॉल कैप आप ले सकते हैं, ताकि एक थोड़ा सा रिटर्न का पोटेंशियल भी इंक्रीज हो जाएगा और एक लंबी अवधि है तो रिस्क इतना नहीं रहेगा। तो मेरे ख्याल में आपने अच्छा प्लान किया हुआ है राजपूत जी, और इसी तरीके से आप निवेशित रहें। राहुल, क्या आपको सलाह समझ में आई? जी बिल्कुल, ऑल द बेस्ट राहुल। और मेरे ख्याल से हमारे साथ शांतनु पाल कोलकाता से फ़ोन लाइन पर भी जुड़ गए हैं, लेकिन शांतनु मेरे पास एक्चुअली वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, तो इस वक्त मैं एक ब्रेक लूँगी, लेकिन पंकज जी और विश्वजीत जी मेरे साथ जुड़े हुए हैं जो आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग कर रहे हैं लाइव। इफ इन केस आप शो देख भी रहे हैं और हमसे सवाल पूछना चाहते हैं तो अपने सवाल आप व्हाट्सएप कर दीजिए, यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में छोड़ दीजिए। झटपट ब्रेक के बाद आती हूँ और आपके सवालों को एक बार फिर से गेस्ट के सामने रखती हूँ। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं मैं अपना फाइनेंस मिनिस्टर और आपके सवाल जवाब का सिलसिला चल रहा है। और ब्रेक पर जाने से पहले शांतनु पाल मेरे दर्शक कोलकाता से मेरे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए थे, इनसे बात नहीं हो पाई थी। नमस्कार पाल साहब, कैसे हैं? अच्छे हैं, धन्यवाद आप रुके रहे। जी जी जी, मेरे पास आपकी आवाज़ आ रही है, मुझे आपकी आवाज़ आ रही है, बिल्कुल सुनाई दे रहा है सर, बिल्कुल। तो आपको एक ही सवाल पूछना है कि क्वांट जी क्या करते हैं आप? स्मॉल बिजनेस। अच्छा, और आपने अपने फंड्स भेजे हैं मुझे जहाँ पर आपके पास आपने पूछा है कि निप्पॉन का मल्टी कैप पोर्टफोलियो में जोड़ना चाहिए या नहीं, और क्वांट का कौन सा फंड? क्वांट का एक्टिव। क्वांट का एक्टिव और कोई भी एक, तो क्वांट एक्टिव और निप्पॉन मल्टी कैप। ओके, अच्छा, ये दो फंड्स में आपको क्यों कंफ्यूजन है और क्या सोच के आपने इनको चुना इस कैटेगरी के इन फंड्स? हाँ हाँ, दोनों एक ही कैटेगरी के ही है, लेकिन हमारा जो मतलब पोर्टफोलियो में जो फंड्स है उसमें वो कंटिन्यू करने से ठीक है या ऐड करने से ठीक रहेगा? फंड्स तो आपके पोर्टफोलियो में भी बढ़िया है, बट एक मल्टी कैप के लिहाज से डाइवर्सिफिकेशन आपको और बेहतर मिल सकती है, या आपको एक फ्लेक्सी कैप ले लेना चाहिए, ये समझ लेते हैं। और पंकज जी के पास ही मैं जाती हूँ। पंकज जी, लार्ज कैप के लिहाज से अगर हम देखें तो PPFS का एक एक्सपोजर इनके पास होगा, एक इनके पास मिड कैप है, स्मॉल कैप है और SBI कॉन्ट्रा भी है, तो अब अक्रॉस मार्केट कैप्स अगर हम देखें तो क्या ये कहना सही होगा कि ये वेरी वेल डाइवर्सिफाइड है, या आपको लगता है कि लार्ज कैप थोड़ा सा और बढ़ाया जा सकता है? कविता, देखिए जरूरत नहीं है कोई भी फंड ऐड करने की, क्योंकि प्राथमिक फ्लेक्सी कैप फंड का अच्छा खासा एलोकेशन लार्ज कैप में ही है, और एक डाइवर्सिफाइड फंड है जिसका इंटरनेशनल में भी इक्विटी में भी एलोकेशन है, मिड कैप भी उसमें थोड़ा है, तो मेरे हिसाब से वो लार्ज कैप की जरूरत पूरी हो जाती है, और मिड कैप और स्मॉल कैप ऑलरेडी है। साथ में जो SBI कॉन्ट्रा फंड इनके पोर्टफोलियो में है उसका एलोकेशन भी लार्ज कैप और मिड कैप में है, तो लार्ज कैप भी सफिशियंट है पोर्टफोलियो में, और लंबा नजरिया है, बात करें 12 से 15 साल की, तो मेरे हिसाब से आपको एलोकेशन चेंज करने की जरूरत भी नहीं है और नया फंड ऐड करने की भी जरूरत नहीं है। यदि आपको पैसे बढ़ाने हो तो मेरे हिसाब से इन्हीं फंड्स में एक तो उसी अनुपात में आप बढ़ा दें तो वो सही रहेगा।
चलिए शांतनु जी, सुना आपने पंकज जी को? जी हम आपका वीडियो YouTube वीडियो का रेगुलर फॉलो करते हैं। बोलने जो एक बार फिर से एक बार बोलने से अच्छा होगा, हम कुछ सुना ही नहीं दिया ठीक से। तो कोई बात नहीं शांतनु जी, दरअसल मेरे दूसरे दर्शक भी फोन लाइन पर जुड़ गए हैं, और कोई बात नहीं अगर आपको सलाह नहीं सुनाई दी है, आप इसी शो को हमारे चैनल के YouTube पर भी देख सकते हैं। मनु अपना फाइनेंस मिनिस्टर के सारे शोज वहाँ जाते हैं, आज का शो भी जाएगा जिसमें आपका जवाब भी शामिल होगा, तो आप वहाँ पर अपना सवाल वापस से जवाब जो आपको दिया गया है वो सुन सकते हैं। बहरहाल रितेश सिंह मेरे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। रितेश गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून सर। हाय हाउ आर यू? आई एम गुड मैम, थैंक यू, हाउ आर यू? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, थैंक यू सो मच। आपने सवाल भेजा, काफ़ी इलैबोरेट तरीके से भेजा हुआ है। बताइए आप 2015 से SIP कर रहे हैं, हाँ, कैसे आपको समझ में आया कि आपको शुरुआत कर देनी चाहिए? मैम जब मैं कॉलेज पास आउट किया था और फर्स्ट जॉब लगी थी, तो माय मदर टोल्ड मी टू स्टार्ट सेविंग इन अ वेरी स्मॉल अमाउंट। तो मेरी स्टार्टिंग जॉब बहुत कम की थी मैम, आई स्टार्टेड माय फर्स्ट जॉब अराउंड 8,000 रुपीज, तो मैं उसमें से 500 रुपीज का SIP करना शुरू किया था। एंड फिर धीरे धीरे जैसे जैसे मैं ग्रो अप करने लगा लाइफ में, देन आई स्टार्टेड टू अर्न मोर, आई इन्वेस्टेड मोर। तो टिल नाउ फ्रॉम 2015 माय कॉर्पस इज अराउंड 25 लाख एज ऑफ नाउ। और करेंटली मेरे प्रोफाइल में मैम पराग पारेख है, महिंद्रा मनु लाइफ है, मोतीलाल ओसवाल मिड कैप है, और क्वांटा स्मॉल कैप है। तो पराग पारेख में मैं 5,000 इन्वेस्ट करता हूँ, महिंद्रा मनु में 5,000, मोतीलाल ओसवाल मिड कैप में 7,500 एंड क्वांटा स्मॉल में 7,500। ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दिस मैम, मैं सुकन्या योजना में भी फॉर माई डॉटर आई स्पेंड अराउंड 10,000 एवरी मंथ, एंड ऑल्सो आई एम डूइंग NPS ऑफ 50,000 पर ईयर। ठीक है, तो सुकन्या समृद्धि और आपका सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड तो सही है, उसमें तो आपको करते रहना चाहिए, NPS भी आपका सही है। 15 साल में 5 करोड़ रुपए जो आपको इकट्ठा करने हैं, उसके लिए मौजूदा SIP इतनी है जितनी आपने हमें दी है कि और बढ़ा भी सकते हैं? 25,000 की मंथली SIP है मेरी, और 5,000 फॉरेन पॉइंट्स में, IND मनी थ्रू फॉरेन पॉइंट्स में, 30,000 इन टोटल। चलिए ठीक है, ओके, बताते हैं आपको कि SIP अगर बढ़ाने की ज़रूरत हो तो आपको और कितनी बढ़ानी चाहिए। ये फॉरेन फंड्स, ओके, मंथली 5,000 आप इसमें डालते हैं, ठीक है, तो कुल मिला के 30,000 का आपका ये निवेश हो गया। और राइट, विश्वजीत जी, मैं चाहती हूँ कि हम थोड़ा सा फोकस ज़्यादा म्यूचुअल फंड के पोर्टफोलियो पे करें, बाकी SGB और SSY और बाकी NPS में तो इनका निवेश ठीक ही है, उसको मैं फ़िलहाल काउंटिंग नहीं कर रही हूँ इनके 5 करोड़ के लक्ष्य में। मुझे ऐसी स्ट्रैटेजी बताइए जिससे केवल अगर ये म्यूचुअल फंड के एक्सपोजर पर या उस इन्वेस्टमेंट पे फोकस करें तो 5 CR जो एक्यूमुलेट कर लें। जी बिल्कुल कविता जी, बहुत अच्छा डाइवर्सिफाइड फंड है, अक्रॉस कैटेगरीज है, एलोकेशन वाइज भी देखें तो इक्विटीज में जैसा आपने बताया, गोल्ड में, इंटरनेशनल इक्विटीज में, सब में इन्होंने निवेश किया हुआ है, तो मैं उसके बारे में चर्चा नहीं कर रहा। बट ओवरऑल देखें तो 25,000 की SIP, 4 funds ले रखे हैं इन्होंने, तो थोड़ा सा मिड कैप और स्मॉल कैप की तरफ एक्सपोजर थोड़ा ज्यादा है। 7,500 की SIP है मोतीलाल ओसवाल मिड कैप और क्वांट स्मॉल कैप में, दोनों ही फंड बहुत अच्छे हैं, बट मेरे हिसाब से स्ट्रेटेजी वाइज इनको थोड़ा सा लार्ज कैप एक्सपोजर इंक्रीज करना चाहिए, जिसमें अगर इन्होंने पराग पारिक फ्लेक्सी कैप ऑलरेडी ले रखा है तो वहां पे भी अपना ये SIP इंक्रीज कर सकते हैं, और ये मोतीलाल ओसवाल मिड कैप और क्वांट स्मॉल कैप से 2,500 रुपए कम कर दें, तो 5,000 रुपए ये इंक्रीज कर सकते हैं पराग पारिक फ्लेक्सी कैप में, या फिर मैं इनको सजेस्ट करूंगा किसी लार्ज एंड मिड कैप फंड कैटेगरी में जाएं, जिसमें HDFC लार्ज एंड मिड कैप फंड में स्टार्ट कर सकते हैं निवेश करना, तो थोड़ा सा लार्ज एंड मिड कैप कैटेगरी भी आ जाएगी और ये जो मिड कैप स्मॉल कैप है थोड़ा सा कम हो जाएगा। तो म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो के हिसाब से तो मेरे ख्याल में यही सलाह रहेगी। जहां तक इनका गोल का सवाल है, 25,000 की SIP 10% से ये इंक्रीज करना चाहते हैं, तो ये बनेगा करीब करीब, अगर हम 12% का CAGR लेके चलते हैं तो 2,17,00,000 रुपए, और ये 25 लाख एग्जिस्टिंग जो कॉर्पस है ये बन जाएगा 1,36,00,000, तो करीब करीब कविता जी 3.5-4 करोड़ के करीब इनका पोर्टफोलियो बनता है, तो भी 1 करोड़ का डेफिसिट है क्योंकि इन्होंने 5 करोड़ का लक्ष्य रखा हुआ है, एक एम्बिशियस गोल है इनका,
तो 1 करोड़ के लिए इनको यकीनन करीब करीब 20-21 हजार की SIP और इंक्रीज करनी पड़ेगी, तब जाके ये 5 करोड़ के लक्ष्य तक पहुंच पाएंगे। बाकी NPS में करीब करीब 18 लाख रुपए बन जाएगा, तो ये सब छोटे छोटे अमाउंट भी ऐड कर लें तो भी इनको SIP डेफिनेटली इंक्रीज करनी पड़ेगी अगर ये अपना 5 करोड़ का लक्ष्य अचीव करना चाहते। चलिए, मेरे ख्याल से रितेश काफ़ी अच्छे से समझते हैं, 2015 से इक्विटी बाज़ार में म्यूचुअल फंड के जरिए निवेश तो कर ही रहे हैं, तो SIP बढ़ाने का महत्व आपको समझाना तो नहीं पड़ेगा रितेश, बट जैसा कि आपको सलाह दी है विश्वजीत जी ने, उस बदलाव को आप थोड़ा सा अपने पोर्टफोलियो में डालें। क्या और कोई सवाल पूछना चाहते हैं? रितेश, थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच, थैंक यू Yeah, thank you so much for sending us your question. All the best, Ritesh, all the best. Thank you. All right, so, yeah. सवाल हमारे पास और भी हैं, लेकिन मैं सवालों की ओर एक बार जाऊं, रुक कर लेते हैं झटपट निवेश के गुरु मंत्र की ओर। पंकज जी, बताइए आपका आज का निवेश का गुरु मंत्र क्या होगा? कविता जी, हमने देखा है कि जब भी मार्केट में गिरावट आती है तो इन्वेस्टर्स घबरा जाते हैं एकदम से और सोचने लगते हैं कि क्या करना चाहिए। तो अभी इक्विटी मार्केट के लिए टाइम बहुत अच्छा है, थोड़ी बहुत गिरावट ये सब देखी जा सकती है। तो बस ये कहना है कि जब भी ऐसे बुल मार्केट में करेक्शन आए, थोड़ी गिरावट आए, तो ये एक मौका है आपके लिए इन्वेस्ट करने का, एक अपॉर्चुनिटी है। इसे थ्रेट ना समझे, बल्कि इसको एक मौका समझ के अपने इन्वेस्टमेंट को बढ़ाने के बढ़ाएं और इन्वेस्टेड रहें ताकि आप वेल्थ क्रिएट कर सकें। विश्वजीत जी, आपका गुरु मंत्र आज का? जी बिल्कुल कविता जी, मैंने कई बार ऐसा देखा है, बहुत सारे निवेशक थीमेटिक फंड्स में बहुत जल्दी निवेश करते हैं, उनको लगता है एक स्टोरी है, एक थीम है, उनको इंटरेस्टिंग लगती है थीम, और जो सिंपल वेनिला फंड्स होते हैं लार्ज कैप मिड कैप, वो उनको इतने इंटरेस्टिंग नहीं लगते। तो मेरी सलाह यही रहेगी कि आप एक कोर पोर्टफोलियो रखें जिसमें कि अच्छे खासे लार्ज कैप, फ्लेक्सी कैप जैसे फंड्स रखें, थीमेटिक फंड्स का केवल 15% या 10% का ही एक्सपोजर रखें अगर आप एग्रेसिव निवेशक भी हैं, ताकि आपका रिस्क भी कंट्रोल में रहे और जो बेसिक कोर पोर्टफोलियो है उसमें से ही आपको स्टेबिलिटी भी मिलेगी और अच्छे रिटर्न भी मिलेंगे लॉन्ग टर्म। चलिए, तो ये है निवेश के गुरु मंत्र जो हमारे आज के मेहमान लेकर आए हैं आपके लिए, और इन्वेस्टमेंट आपकी पोर्टफोलियो को लेकर जो भी फंडामेंटली या बुनियादी सीख होती है निवेश के गुरु मंत्र के जरिए, हमारा मकसद ये होता है कि आपको ये तमाम सीख जो है वो दी जाए। विश्वजीत जी के लिए अखिलेश यादव हमारे एक दर्शक हैं फोन लाइन पर। नमस्कार। नमस्कार मैम। अखिलेश जी, फंड्स की डिटेल्स तो मेरे पास है। जी जी, मुझे आपकी आवाज़ आ रही है सर, मुझे आ रही है आपकी आवाज़। तो फंड्स की डिटेल्स हैं मेरे पास, और आपने 15 साल के लिए ये पोर्टफोलियो बनाकर भी रखा है, और 1.5 करोड़ आप कह रहे हैं आपको इकट्ठा करना है ना? इसके अलावा और कोई सवाल? नहीं मैम, मैंने एक्चुअल में, हाँ, इसको मैंने अपने आप से ही मैम सारी SIP कर रखी है, तो मैं वही आपका सजेशन चाहता हूँ कि इसमें मैं क्या करूँ कि मुझे ये फंड, मतलब करीब 15 से 17 सालों में इतना फंड इकट्ठा हो जाए। समझ गए, ठीक है। चलिए विश्वजीत जी, आपके पास है अखिलेश का सवाल, और मैं चाहती हूँ कि पोर्टफोलियो, क्योंकि थोड़ा बड़ा लग रहा है, थोड़ा फिल्टर आउट कर देना चाहिए। जी बिल्कुल कविता जी, बहुत सारे फंड्स हैं और करीब करीब कई में तो हजार रुपए हैं, तो मेरे हिसाब से इतने सारे फंड्स को ट्रैक करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो करीब करीब 3-4 फंड्स तो जिसको हम कम कर सकते हैं, करीब 11 फंड्स हैं कविता जी इनके पोर्टफोलियो में, तो मैक्सिमम 7-8 फंड से आपका पोर्टफोलियो अच्छा खासा डाइवर्सिफाई हो जाता है। तो इसमें कैनरा रबेको कंज्यूमर ट्रेंड, ICICI प्रूडेंशियल कमोडिटी फंड, या फिर इसके एक्सेस ELSS टैक्स सेवर फंड, ये 3-4 फंड्स हैं जिसमें ये अपनी SIP स्टॉप कर सकते हैं, और बाकी जो कुछ अच्छे फंड जिसमें ये बने हुए हैं ऑलरेडी, उसमें निवेशित रह सकते हैं। और ये जो 3 फंड्स मैंने मना किए हैं, बंद करे हैं, इसकी SIP ये इसको ऐड कर सकते हैं, मेरा ही एसेट लार्ज एंड मिड कैप फंड में, ICICI प्रूडेंशियल S&P BSE सेंसेक्स फंड में, और पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड में। तो धीरे धीरे से अपने फंड्स का एक्सपोजर कम करें ताकि वो उसको आराम से ट्रैक भी कर सकें। इसके अलावा जो उन्होंने लक्ष्य रखा है 1.5 करोड़ का 15 साल में, उसके लिए करीब करीब अखिलेश जी आपको 31,000 की SIP चाहिए होगी अगर हम 12% का CAGR लेके चलते हैं। तो फंड्स बढ़ाने से लाभ नहीं है, अपनी SIP की अमाउंट बढ़ाएं, यही 7-8 फंड जो आपने मैंने अभी बोले हैं इसी में निवेशित रहें और इसी में अपनी SIP को इंक्रीज करते जाएं, तो आप अपने गोल के
यकीनन नजदीक पहुंच जाएंगे और हर साल जितना इंक्रीज करें अपनी एसआईपी को एनुअली, जिसको हम स्टेप अप अप्रोच भी कहते हैं, वो आपके लिए बहुत लाभदायक रहेगा। बहुत सारे फंड्स ना रखें और थीमेटिक फंड से तो बिल्कुल बचें। तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा थीमेटिक फंड से बचने की भी सलाह दी जा रही है। अखिलेश, कुछ सवाल पूछना है विश्वजीत जी को? ठीक है मैम, मैं समझ गया। मतलब मुझे अमाउंट ही बढ़ाना पड़ेगा ना मैम इसमें मुझे? जी, और जो कुछ बदलाव बोले हैं छोटे मोटे, उन पर आप थोड़ा सा काम कीजिएगा। सलाह अगर अभी नहीं सुन पाए तो कोई बात नहीं, YouTube पर हम शो डालते हैं चैनल के, तो आप तो वैसे देखते ही हैं मेरे ख्याल से YouTube, तो आप उसमें भी आप सलाह नोट डाउन कर सकते हैं। पंकज जी के लिए YouTube से सवाल है हमारे दर्शक विकास का, और इनको जो है अपना 3 साल का जो कॉर्पस इकट्ठा किया हुआ है उसको स्विच करना है HDFC, सेंसेक्स, UTI, निफ्टी, नेक्स्ट 50 इंडेक्स फंड, ICICI प्रो इक्विटी डेट फंड में, और इसमें ये कह रहे हैं 14 साल तक जो है रिटायरमेंट के लिहाज से कंटिन्यू करेंगे, और पूछना चाह रहे हैं कि क्या ये एक सही कदम होगा। 5 करोड़ तक इनका मेरे ख्याल से इकट्ठा करने का लक्ष्य भी है, और अपने निवेश को ये कह रहे हैं कि बढ़ाएंगे भी। विकास का सवाल पंकज जी आपके पास होगा? सवाल है, और आप इनके पास PPFS फ्लेक्सी कैप, निपॉन क्वांट, और PPF फ्लेक्सी कैप, निपॉन और क्वांट का स्मॉल कैप भी है, 3 करोड़ उसमें से आने वाले हैं। टोटल SIP इनकी चल रही है 30,000 की। बिल्कुल, देखिए SIP जिन तीन स्कीम्स में है तीनों अच्छी स्कीम है, और यहाँ पर बिल्कुल समय के साथ बढ़ा भी सकते हैं, अपने इन्वेस्टमेंट को बढ़ाना भी चाहिए जो टारगेट लिया हुआ है उसके लिए, और क्योंकि फंड्स भी अच्छे हैं, एलोकेशन भी अच्छा है, तो यहाँ पे तो कोई दिक्कत है नहीं। लेकिन जो इन्होंने सवाल पूछा दूसरा, कि क्या ये अपने जो इक्विटी इंडेक्स फंड्स हैं उनमें से एग्जिट करके हाइब्रिड में स्विच कर ले, तो मेरे हिसाब से ये सही नहीं है। वजह यह है कि बात कर रहे हैं लंबे वक्त की, अगर आप 14 ईयर्स की बात कर रहे हैं, तो फिर ऐसे में आपको हाइब्रिड में स्विच करने की जरूरत दिखाई नहीं दे रही, मुझे लगता है करना चाहिए। और अगर वो स्मॉल कैप होता तो मैं बिल्कुल कहता कि चले स्मॉल कैप से लार्ज कैप में आ जाइए। आप पहले ही लार्ज कैप इंडेक्स फंड्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं, निफ्टी 50 और सेंसेक्स में, तो ऐसे में बिल्कुल आप इनमें बने रहें वो बेहतर होगा। हाँ, जब आप बिल्कुल गोल के आसपास पहुंच जाएंगे उस वक्त पर आपको सोचना चाहिए, लेकिन जब बात हो इतने लंबे वक्त की तो फिर आपको फिलहाल जरूरत नहीं है स्विच करने की। और जहां तक टारगेट का सवाल है, तो देखिए अगर आप 10% से स्टेप अप करते हैं, 30,000 की आपकी SIP चल रही है, तो 14 इयर्स में करीब 2 करोड़ रुपया इकट्ठा कर सकते हैं, और जो आपने कहा है कि ऑलरेडी पैसा आपके पास स्विच करना है उसकी वैल्यू भी बढ़ जाएगी, तो आपका टारगेट 2 करोड़ तो हो जाएगा। आपकी एक तो 2 करोड़ की वैल्यू तो वैसे भी कम हो जाएगी, अगर 6% का इन्फ्लेशन लेकर चलो तो 14 ईयर्स के बाद इसकी वैल्यू मतलब आधे से भी कम होगी, वो एक बात है। और दूसरी बात यह है कि आपका टारगेट भी बड़ा है, समय के साथ इन्हीं स्कीम में इन्वेस्टमेंट को बढ़ाइए और जो इंडेक्स फंड्स हैं उनमें आप बने रहिए। ऑल द बेस्ट टू यू। सवाल कपिल अग्रवाल का है, और ये सिरसा हरियाणा से अपना सवाल भेज रहे हैं। 4 महीने से निवेश कर रहे हैं म्यूचुअल फंड में, और इनके पास भी इंडेक्स फंड है HDFC सेंसेक्स का, और मेरे साथ फोन लाइन पर भी हैं। तो आपके मैं फंड्स पढ़ रही हूँ अग्रवाल साहब, SBI इंडेक्स फंड भी है आपके पास, HDFC सेंसेक्स फंड भी है, ICICI प्रू लार्ज, ICICI प्रू का कौन सा है आपके पास, लार्ज एंड मिड कैप है, और ICICI प्रू का नेक्स्ट 50 ठीक है। तो आप इन फंड्स में कब से निवेश कर रहे हैं? मैडम मैं 4 महीने से निवेश कर रहा हूँ, और 4 महीने से आपका शो देख रहा हूँ मैम। अच्छा सर, बहुत सारे फंड्स नहीं है? काफी फंड है मैम, मैंने देख देखे ले तो लिए, लेकिन अब मेरे को ये चाहिए भी इसमें कौन से फंड रखूं और कौन से फंड से मैं एग्जिट करूं। और मैम पिछले 10 सालों से मैं इसमें अपने ELSS टैक्स फंड में रेगुलर फंड में मतलब इन्वेस्ट कर रहा था मैम। अब बाकी जो पैसा है वहां से मैंने सारा मतलब पैसे वही है, लेकिन मैंने वहां से मतलब एग्जिट कर लिया है, और उनको कहां इन्वेस्ट करूं इसके बारे में राय लेनी थी मैम। मेरे को लगभग लगभग 12-13 साल बाद मेरे को 1 करोड़ रुपए चाहिए मेरे बेटे की शादी के लिए और मेरी रिटायरमेंट के लिए और उसकी स्टडी के लिए। ठीक है, चलिए बताते हैं आपको। फंड्स तो वाकई बहुत सारे हैं आपके पोर्टफोलियो में, और आपने छोटी छोटी राशि के लिए भी मतलब फंड्स में निवेश कर रखा है। विश्वजीत जी, किन किन में से निकलना चाहिए?
किन किन में से? कविता जी बहुतों में से निकलना चाहिए मेरे हिसाब से, करीब करीब 21 फंड है और 15-16 हजार की शायद SIP है, तो जिसमें 500-500 रुपए भी लगा रखे हैं कई सारे फंड्स में, तो मेरे हिसाब से अग्रवाल साहब सब फंड्स को भूल जाएं, आपके पोर्टफोलियो में से भी मैं 7 फंड्स निकाल रहा हूं जिसमें आप सारी राशि उसी 7 फंड्स में निवेश करें, उसी में SIP कंटिन्यू करें। सबसे पहले तो है ICICI प्रोडेंशियल ब्लू चिप फंड, ये एक लार्ज कैप फंड है, आपके पोर्टफोलियो में है। क्वांट एक्टिव फंड भी है आपके पोर्टफोलियो में। इसके अलावा मेरा ही एसेट लार्ज एंड मिड कैप फंड है, ये भी एक अच्छा फंड है, न्यू कैटेगरी है, तो इसमें भी आप निवेशित रहें। HDFC मल्टी कैप फंड काफी कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस है, इसमें भी आप निवेशित रहें। इसके अलावा पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड है और मोतीलाल ओसवाल का मिड कैप फंड भी है आपके पास। निपॉन इंडिया निफ्टी स्मॉल कैप फंड और SBI कॉन्ट्रा फंड, ये 7-8 फंड है जिसमें आपको निवेशित रहना है। बाकी सब फंड्स को भूल जाएं और इसी में अपनी SIP बढ़ाते चले जाएं और हर साल इंक्रीज करते चले जाएं, तभी आप अपने गोल के लक्ष्य के करीब पहुंचेंगे। 1 करोड़ का लक्ष्य केवल 10 साल, थोड़ा छोटा पीरियड है, तो 44,000 की SIP आपको चाहिए होगी। तो फोकस आप इस पे करें कि SIP को कैसे इंक्रीज करना है, या फिर आपको कोई बोनस मिलता है या कोई और कहीं से कुछ इकट्ठा पैसा मिलता है तो वो आप इस पोर्टफोलियो में निवेशित करें। बाकी इतनी सारी स्कीम्स को ना तो आप ट्रैक कर पाएंगे ना आप समझ पाएंगे, और ये बहुत ही ओवर डाइवर्सिफाइड हो जाएगा आपका पोर्टफोलियो, जिसकी वजह से भी रिटर्न कम हो सकती है। तो ये 7-8 फंड्स जो आपको बताए जा रहे हैं, इसी में निवेश करें, इसी में अपनी राशि भी जो आपके पास बची हुई है, जो आपने ELSS फंड को रिडीम किया है, वो राशि भी आप इन्हीं फंड्स में बराबर बराबर डाइवर्सिफाई करके निवेश करें, तो आपका एक अच्छा डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो भी बन जाएगा, एक हेल्दी मिक्स भी होगा लार्ज कैप मिड कैप और स्मॉल कैप का, तो 10 साल में अच्छे रिटर्न्स भी बनेंगे और रिस्क भी बहुत कम हो जाएगा। अग्रवाल साहब को आपने काफ़ी विस्तार से बताया कि कितने फंड्स रखने चाहिए पोर्टफोलियो में और इनके पूरे सेट में से किन में से निकल जाना चाहिए, और इसी के साथ मेरा समय भी दरअसल समाप्त हो चुका है। विश्वजीत जी आपका, पंकज जी आपका धन्यवाद, समय निकाला और दर्शकों का मार्गदर्शन किया। इसी नोट पर हम रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, और ब्रेक के उस पार बात होने वाली है टैक्स की। जी हाँ, HRA पर टैक्स डिडक्शन काउंट करना हो या आपके PPF निवेश को लेकर आपको अगर समझना हो कि अंत में कितना आपको पैसा मिलेगा, किस ब्याज दर पर मिलेगा, ये तमाम बातें हैं जो अक्सर आप सोचते नहीं हैं इसके बारे में या समझ में नहीं आती, को बहुत पेचीदा लगते हैं ये मामले। इन सब की गुत्थी हम सुलझाएंगे इस छोटे से ब्रेक के बाद।